नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल का अड्डा और मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आइए जानते हैं 2023 का वर्ल्ड कप किस तरह से खेला जाएगा, फाइनल स्टेज पे सेमीफाइनल किस प्रकार से होंगे और फाइनल में कौन कौन पहुंच सकता है ये भी देखने का विषय है। पर उससे पहले हम नजर डालते हैं सेमीफाइनल पे। तो वर्ल्ड कप के 3 टीमें फाइनल में पहुंच चुकी हैं, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया है। वहीं न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी रेस में हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट दोनों से काफी ज्यादा है। ऐसे में पहला सेमीफाइनल भारत बनाम न्यूजीलैंड और दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में खेला जाएगा। हालांकि यदि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती है तो लगा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैच ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर 2023 को साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। यदि भारत बनाम पाक सेमीफाइनल मैच ईडन गार्डन में खेला जाता है तो दूसरा सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। सभी मैच दोपहर 2 बजे शुरू होंगे, 1:30 बजे टॉस होगा। पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो भारत के 8 मैचों में 8 की 8 जीते हैं, जिसमें 16 अंक हैं। भारत का नेट रन रेट +2.456 है। साउथ अफ्रीका के 8 मुकाबलों में से 6 में जीत है तो उसमें 12 अंक हैं। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट +1.376 है। ऑस्ट्रेलिया के 8 मैचों में 6 में जीत है और 2 हार के साथ कुल 12 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया का रन रेट जो है +861 है। न्यूजीलैंड के 9 मुकाबलों में 5 जीत और 4 के साथ कुल 10 अंक हैं। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +0.743 है। 5वें नंबर पर पाक और 6ठे नंबर पर अफगानिस्तान के 8 अंक हैं। कब और कहां होगा टीम इंडिया का सेमीफाइनल, चलिए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड औसत रहा है। यहां टीम इंडिया ने 21 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 12 मैचों में जीत मिली, 9 में हार मिली। उधर न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अब तक वानखेड़े में अच्छा रहा है। कीवी टीम ने इस मैदान पर 3 मैच खेले हैं, उसमें से 2 में जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान कैसे पहुंच सकता है, यह दिलचस्प होगा कि कैसे वो पहुंच सकता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन कुछ खास तो नहीं रहा, ये तो आप सब जानते हैं, और वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर की कगार पे ही है, ऑलमोस्ट मतलब खत्म की कगार पे। पर फिर भी उम्मीदें पाकिस्तानियों की जिंदा रखने के लिए हम कुछ बता देते हैं कैसे वो फिर भी पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान टीम का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, 11 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में होना है। यदि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में एंट्री करनी है तो बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 287 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा। यानी पाकिस्तान को चमत्कारी प्रदर्शन की जरूरत होगी। और आपको क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है, क्रिकेट है। 302 रन से भी इंडिया ने जीता था, तो 287 रन भी कोई इसमें मैं अचंभव नहीं मानूंगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है। फिर भी पाकिस्तान है, उसके साथ काफी सारी चीजें इफ एंड बट्स हैं। तो आगे हम चलते हैं, उसे अंग्रेजों को दिन में तारे दिखाने होंगे। तो समझ सकते हैं आप, दिन में तारे दिखाने का मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम जाके बल्लेबाजी करनी होगी ताकि खूब अच्छे रन बने। 200 मतलब अगर 400 रन बनाते हो तो 110 के आसपास उनको आउट करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे बता रहे हो, ये फाइनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, चुस्की ले रहे हो आप हमारे साथ। तो चुस्की हमने नहीं, वसीम अकरम ने ली है। आप कैसे लिए? वसीम अकरम ने कहा है कि अगर पाकिस्तानियों को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो पहले बल्लेबाजी करनी होगी और फिर बाद में जब अंग्रेज टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए तो वो ड्रेसिंग रूम में बंद कर दे और 20 मिनट का तक उन्हें बंद रखे ताकि उनका टाइम आउट हो जाए और सारे बल्लेबाज टाइम आउट होके बाहर हो जाएं। तो ये तो हुई चुस्की लेने का तरीका। तो वसीम अकरम ने चुस्की ली और मैं जो भी बोल रहा था मेरे को भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, पर मैच तो देखना है और हम चाहते हैं कि भारत जीते। और भारत के साथ अगर मजा तो तब आता जब पाकिस्तान के साथ होता और उन्हें हराते, उनको फील कराते कि बाप बाप होता और बेटा बेटा, तो मजा तो वहां आता। पर फिर भी हम जीतेंगे और खेल के अड्डे में हम इस चीज को फाइनल तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।